गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने थर्ड लेक्चर अपना कंप्लीट किया था और उसका असेसमेंट जो कि फिल इन द ब्लैंक्स था उसे भी हमने कंप्लीट किया था। जो क्वेश्चन आंसर रह गए आपके चैप्टर थर्ड के, वो क्वेश्चन आंसर हम कंप्लीट करेंगे, मींस आपको कंप्लीट करने होंगे जब मैं आपको चैप्टर थर्ड का नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा उसके बाद। ठीक है, आज चैप्टर फोर स्टार्ट करते हैं जो कि है बेसिक राइटिंग स्किल्स। ठीक है, चैप्टर फोर में मैंने आपको पहले बताया कि मैं आपको सिर्फ दो टॉपिक्स इसमें पढ़ाऊंगा जो कि है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, और लास्ट में एक टॉपिक है कि पैराग्राफ कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो मैं बस ये दो टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा और बाकी जो इसमें ग्रामर पोर्शन है आप लोअर क्लासेस से पढ़ते चले आए हैं वो चीज़ें, तो वो आपको खुद से पढ़नी है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इश्यूज़ होते हैं तो आपको वो मुझसे पूछना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारे बेसिक राइटिंग स्किल्स, यानी हमारे जो बेसिक राइटिंग स्किल्स हम होते हैं वो क्या होते हैं, हम किस तरह से अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम जो मैसेज लिखते हैं, जो जिस तरह से हम कम्युनिकेट करते हैं और जिस तरह से हम अपने आइडियाज़ को अगर रिटन फॉर्म में लिखते हैं किसी भी चीज़ को, तो वो हम किस वे में लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे, हम कोई भी कंटेंट किस तरह से लिखते हैं उसके बारे में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है, रिटन कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि रिटन कम्युनिकेशन जो है वो संचार का यानी कम्युनिकेशन करने का सबसे ही इफेक्टिव, सबसे ही प्रभावशाली तरीका होता है। इट इज़ मोर फॉर्मल एंड लेस फ्लेक्सिबल देन ओरल कम्युनिकेशन, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल और लेस फ्लेक्सिबिलिटी के साथ होता है, जब जो कि ओरल कम्युनिकेशन में मींस जब हम मौखिक वे में किसी से संचार कर रहे होते हैं, किसी से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, उसके अपेक्षा ये बहुत ही फॉर्मल और लेस फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, द रिटन फॉर्म इज़ हेल्पफुल इन कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द कन्वर्सेशन फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, यानी जो भी रिटन फॉर्म में हम जो भी कोई मैसेज देते हैं या आइडियाज़ देते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन देते हैं हम, तो उसे फ्यूचर में रखने के लिए वो काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल होता है। हम उसका एक रिकॉर्ड अपने पास रख सकते हैं ताकि हम उसे फ्यूचर में कभी भी जब भी ज़रूरत पड़े तो हम उसे यूज़ कर सकें। ठीक है, द इफेक्टिवनेस ऑफ रिटन कंटेंट डिपेंड ऑन द करेक्ट चॉइस ऑफ वर्ड्स, देयर ऑर्गेनाइजेशन इनटू अ राइट सेंटेंसेस सीक्वेंस एंड द कोहेसिवनेस इन द सेंटेंसेस, यानी कि जब भी हम कोई रिटन कंटेंट देते हैं तो उसकी जो प्रभाव, जब वो प्रभावशील कब होता है, उसमें चुने गए शब्दों के द्वारा जिस तरह से हम उन शब्दों का यूज़ करते हैं, उन सेंटेंसेस को किस वे में अरेंज किया गया है, किस वे में ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है, उस पर डिपेंड होता है। और जो हमारे सेंटेंस का जो संक्षिप्त रूप होता है, जो कोहेसिवनेस होती है, ठीक है, उन पर हमारा जो रिटन कम्युनिकेशन होता है वो उसकी प्रभावशीलता निर्भर करती है। ठीक है, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन के कुछ एक आप कह सकते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है, जो कि आपके कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन के अंदर 7 C's, यानी 7 C's ऐसे हैं जिसे आप यहाँ देख सकते हैं, क्लियर, करेक्ट, ये सारे सी से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ये सारे वर्ड्स जो हैं, ये सारे स्टेप सी से स्टार्ट होते हैं, तो इन्हें नाम दिया गया है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। तो चलिए पढ़ते हैं कि क्या है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। दिया है, देर आर 7 elements ऑफ कम्युनिकेशन विच आर पॉपुलरली नोन एज 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि इसमें संचार में यानी कम्युनिकेशन में 7 elements ऐसे होते हैं जिन्हें 7 C's के नाम से कम्युनिकेशन में नाम दिया गया है। दे आर रिगार्डेड एज अ चेकलिस्ट दैट हेल्प टू इम्प्रूव द प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इंक्रीज द चांस दैट द मैसेज विल बी अंडरस्टूड इन एग्जैक्टली द सेम वे एज इट वॉज इंटेंडेड, यानी कि ये क्या कह रहा है कि ये जो 7 C's हैं ये हमारे चेकलिस्ट की तरह काम करते हैं, जो कि हमारे कम्युनिकेशन को बहुत ही प्रोफेशनली बनाते हैं, बहुत ही इम्प्रूव करते हैं हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल होती है, और ये इंश्योर करते हैं कि जो भी मैसेज हम
किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी मैसेज हम किसी तक कन्वे कर रहे हैं वो एग्जैक्टली उसी वे में पहुंचे जिस तरह से हम उसे पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये इन सारी बातों का को हम ध्यान में रखते हुए यहाँ पर 7 C's दिए गए हैं। फर्स्ट है आपका क्लियर, यानी द मैसेज शुड नॉट बी वेज और कन्फ्यूजिंग, यानी जो भी आप मैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमेशा क्लियर होना चाहिए, आप एकदम टू द पॉइंट हो, आपका मैसेज किस बारे में है ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, उसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए ऑडियंस को, रिसीवर को। सेकेंड है आपका करेक्ट, यानी द मैसेज शुड बी फ्री ऑफ एनी ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग मिस्टेक, यानी जो भी मैसेज आप कन्वे कर रहे हैं रिटन फॉर्म में वो हमेशा उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर ना हो, ठीक है। एंड ऑल्सो द फैक्ट मैंशनड इन द मैसेज मस्ट बी रेलिवेंट एंड एक्यूरेट, और जो भी मैसेज उसमें पास किए गए हों वो बहुत ही रेलिवेंट और एक्यूरेट, यानी टू द पॉइंट होने चाहिए हर एक चीज़ें, ठीक है, इधर उधर की उस बातें उसमें ना हो। थर्ड है आपका कंप्लीट, द मैसेज शुड बी कंप्लीट, यानी जो मैसेज है आपका वो कंप्लीट होना चाहिए। मीन्स आप कोई एक टॉपिक अगर ले रहे हो, किसी एक चीज़ के बारे में बता रहे हो, तो आप उस चीज़ को कंप्लीटली, आप उस इंफॉर्मेशन को कंप्लीटली अपनी ऑडियंस, अपने रिसीवर तक कन्वे करोगे, ना कि आधी अधूरी बातें उसमें करेंगे। इट मस्ट इंक्लूड ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, यानी जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है वो उसमें इंक्लूडेड होती है। द कंप्लीट मैसेज आंसर्स मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट रिसीवर्स माइट हैव, दस रिड्यूसिंग द नीड ऑफ फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी जो भी मैसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए कि ऑडियंस के दिमाग में जो भी क्वेश्चंस उठ रहे हों उनका आंसर उसे खुद उस मैसेज से ही मिल जाए, खुद ब खुद वो मैसेज इतना क्लियर हो कि सारे आंसर्स खुद ब खुद समझ में आने लगे, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट, यानी कि ठोस होना चाहिए, यानी जो मैसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पढ़ते हैं पहले, द कंटेंट शुड बी सपोर्टेड बाई फैक्ट्स एंड फिगर्स, यानी जो भी मैसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें हमेशा फैक्ट्स यूज़ करने चाहिए, और पॉसिबल है, यानी अगर ऐसा मैसेज हम कोई प्रोवाइड कर रहे हैं जिन्हें एग्जाम्पल की ज़रूरत है, जिन्हें फिगर की ज़रूरत है, तो एक ठोस फिगर, एक ठोस फैक्ट के साथ हमें अपनी बातों को रखना चाहिए, अपने मैसेज को, अपने इंफॉर्मेशन को अपनी ऑडियंस तक, रिसीवर तक कन्वे करना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ है कंसाइज, ठीक, यानी द मैसेज शुड बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट, यानी जो भी मैसेज आप भेज रहे हैं वो बहुत ही संक्षिप्त हो, ठीक, प्रिसाइज हो और टू द पॉइंट हो, एग्जैक्ट वही चीज़ें बताई गई हूँ जिसकी वहाँ पे ज़रूरत है, कोई इधर उधर की चीज़ें ना बताई गई हूँ। अ शॉर्ट एंड ब्रीफ मैसेज हेल्प टू रिटेन द रिसीवर्स अटेंशन एंड सेव्स टाइम, यानी जो जब भी छोटा और व्यापक मैसेज होता है, जब भी हम कम शब्दों में अपनी अधिक से अधिक बातों को बोल लेते हैं, तो वो हमेशा रिसीवर के अटेंशन को बनाए रखता है, ठीक है, और हमारे जो समय होता है उसकी भी बचत करता है। नेक्स्ट है हमारा कंसिडरेशन, ठीक है, इसमें दिया है द सेंडर मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन द रिसीवर्स ओपिनियन, नॉलेज, माइंडसेट, बैकग्राउंड एक्सेट्रा टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, यानी कि सेंडर को कभी भी कोई भी मैसेज कन्वे करते समय, कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते समय हमेशा रिसीवर के ओपिनियन क्या हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए, उसकी नॉलेज किस हद तक है, उसका माइंडसेट किस वे में वर्क करता है, वो पॉजिटिविटी से भरा हुआ है या उसके अंदर नेगेटिव चीज़ें भरी हुई हैं, तो इन सारी चीज़ों को हमेशा सेंडर को कोई भी मैसेज कन्वे करते समय ध्यान में रखना चाहिए। सेवन्थ और लास्ट है आपका कर्टियस, यानी कि विनम्र, ठीक है, द सेंडर मस्ट कंसिडर फीलिंग एंड व्यू पॉइंट्स ऑफ द रिसीवर वाइल ड्राफ्टिंग द मैसेज, यानी कि सेंडर जब भी कोई मैसेज भेजे या फिर जब भी कोई मैसेज वो कन्वे करे, कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, तो हमेशा उसे जो ऑडियंस है या फिर जो रिसीवर है उसकी फीलिंग्स का, उसके व्यू पॉइंट्स का हमेशा ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 7 चीज़ें आपकी है जो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन कराती हैं, ये 7 C's आपके रिटन कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने में, उन्हें और इफेक्टिव बनाने में हमारी हेल्प करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे राइटिंग स्किल्स है, ठीक
ठीक है, इसमें आप देखेंगे ग्रामर पोर्शन स्टार्ट है, जो कि मैंने आपको कहा था कि आप खुद से पढ़िएगा क्योंकि आप लोअर क्लासेस में पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फ्रेजेस हैं, ठीक। नेक्स्ट है सेंटेंसेस, वो ऐसे ही आपके दिए हैं, काइंड ऑफ सेंटेंसेस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको खुद से पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पैराग्राफ राइटिंग। अब इसमें क्या दिया गया है कि इंग्लिश में जब भी हम पैराग्राफ राइटिंग करते हैं, कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं, तो हमें उनमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। किस किस तरह से हम एक पैराग्राफ को इफेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है, उन्हें अच्छे से कन्वर्ट, उन्हें अच्छे से हम राइट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें है कि पैराग्राफ राइटिंग, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं कि पैराग्राफ क्या होता है। तो पैराग्राफ जो होता है वो ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस का सेंटेंसेस होते हैं, मीन्स कई सेंटेंसेस मिलकर जब एक एक साथ रखे जाते हैं तो उन्हें हम पैराग्राफ कहते हैं। ये सेंटेंसेस हमेशा एक ही सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, मीन्स जितने भी सेंटेंसेस हम पैराग्राफ में यूज़ करते हैं वो सारे सेंटेंसेस एक सिमिलर टॉपिक के से रिलेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि पैराग्राफ में हम किसी और चीज़ के बारे में लिख रहे हैं और जो सेंटेंसेस हम यूज़ कर रहे हैं उसमें वो किसी और चीज़ के बारे में रिलेट हो रहा हो, ठीक है। तो हमेशा पैराग्राफ राइटिंग में ये ध्यान रखना होता है कि पैराग्राफ हम जब भी क्रिएट करते हैं उसमें जो भी सेंटेंसेस हम यूज़ करते हैं उनमें हमेशा वो सारे सेंटेंसेस हमेशा एक सिंगल टॉपिक से, जो मेन फोकस होता है हमारा, उनका एक एक ही टॉपिक होना चाहिए, मीन्स एक ही टॉपिक से रिलेट करने चाहिए, ठीक है। जब भी हम किसी पैराग्राफ को लिखते हैं, ठीक है, या फिर लिखने से पहले हमें हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो हमारा पैराग्राफ है हम वो किस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, किस चीज़ को रिलेट करके लिख रहे हैं, हमारे आइडियाज़ क्लियर होने चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन हमें देनी है वो वहाँ पर बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन सारी, ठीक है। ऐसा ना हो कि जो जिस टॉपिक के बारे में हम लिख रहे हैं या फिर जिस टॉपिक के से हम रिलेट करना चाहते हैं उस टॉपिक के अलावा हम कहीं और किसी टॉपिक का एग्जाम्पल दे रहे हों, या फिर कुछ ऐसी बातें लिख रहे हों जिनका उस टॉपिक से, उस पैराग्राफ से, ठीक है, कोई मीन्स कोई रिलेशन ही नहीं है। तो हमेशा हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब भी हम पैराग्राफ लिखते हैं और हम बहुत ही क्लियर नहीं होते अपने थॉट्स को लेकर, हम अपने आइडियाज़ को लेकर, अपनी इन्फॉर्मेशन को लेकर, तो जो हमारा मेन फोकस होता है जिस सब्जेक्ट को बनाने का, जिस भी चीज़ का हमारा मेन फोकस होता है, वो हम उससे अपना मतलब अपना वे भटक जाते हैं, ठीक है। और उन पैराग्राफ में मतलब बहुत ही क्लैरिटी नहीं होती है, फिर जो ऑडियंस होती है, जो हमारे रिसीवर होते हैं उसे पढ़ने वाले या फिर उसे समझने वाले, वो बहुत ही कम इंटरेस्ट लेने लगते हैं ऐसे टॉपिक्स में जिनमें हम मेन फोकस के अलावा कई बातों का जिक्र करने लगते हैं, ठीक है। पैराग्राफ राइटिंग करते समय हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि राइटिंग करने से पहले हम उन आइडियाज़ के बारे में बहुत क्लियर हों, हमें एक बार सोच लेना चाहिए कि हमें क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी हैं, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, वो हमें पैराग्राफ में बहुत ही शॉर्ट में, कम शब्दों में, इस तरह से उल्लेख करना चाहिए जिससे कि जो हमारी ऑडियंस है वो कम शब्दों में एक व्यापक मैसेज को समझ सके, ठीक है। और पैराग्राफ राइटिंग में कभी भी उसकी लेंथ, मतलब किसी भी पैराग्राफ की लेंथ हमें बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो ऑडियंस होती है हमारी, वो पहले ही एक एक उसके दिमाग में पहले से आ जाता है कि ये चीज़ें बहुत लेंदी हैं या ये मैसेज बहुत लेंदी है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वो पढ़ने से पहले ही अपना इंटरेस्ट उस टॉपिक में खोने लगता है, और या फिर वो उस चीज़ को इग्नोर कर देता है, या तो उसे पढ़ेगा भी तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से नहीं पढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है हाउ टू राइट अ गुड पैराग्राफ, यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं या फिर कुछ कह सकते हैं कुछ एस्पेक्ट दिए हुए हैं जिनके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि हम एक पैराग्राफ राइटिंग को कितना कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारा, यहाँ पर फर्स्ट एस्पेक्ट है टॉपिक ऑफ पैराग्राफ, यानी कि हमें हमेशा से यहाँ लिखा है फर्स्ट डिसाइड द टॉपिक अबाउट विच यू आर गोइंग टू राइट द पैराग्राफ, यानी कि जिस टॉपिक के बारे में आप पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, ठीक है, उस टॉपिक को
पहले से ही डिसाइड कीजिए कि हमारा टॉपिक कितना इफेक्टिव लग रहा है या फिर जो टाइटल हम दे रहे हैं वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव होगा ऑडियंस के सामने। ठीक है, हमेशा टाइटल एक ऐसा होना चाहिए, मतलब टॉपिक ऐसा होना चाहिए कि जिसे पढ़ते ही हमें जो ऑडियंस होती है वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो कि उसके सामने कुछ नई चीज़ें आने वाली हैं या फिर उसके सामने कुछ नई इन्फॉर्मेशन आने वाली है, कोई नया टॉपिक है। ठीक है, इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन या टॉपिक सेंटेंसेस। इसमें क्या करते हैं कि हम जब भी कोई पैराग्राफ लिखते हैं या फिर कोई भी सपोज कोई टॉपिक से रिलेट करके कुछ इन्फॉर्मेशन लिखते हैं तो हमेशा उसका एक ऐसा जो ऐसा सेंटेंस होना चाहिए स्टार्ट में या जिससे वो अपना टॉपिक के जो फीचर्स हैं या फिर टॉपिक से रिलेटेड कुछ मेन इन्फॉर्मेशन है वो उस सेंटेंस के थ्रू ही ऑडियंस तक पहुंच सके। ठीक है, ऑडियंस मतलब वो सेंटेंस ऐसा होना चाहिए कि ऑडियंस कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट हो उस चीज़ से। ठीक है, हम हमेशा देखते हैं, कभी कभी हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें भी हम सब्जेक्ट डालते हैं, मीन्स हम किस चीज़ के बारे में एप्लीकेशन लिख सकते हैं लिख रहे हैं। तो सेम इसी तरह से हमें कुछ लाइनें इंट्रोडक्शन के तौर पर हमें पैराग्राफ में लिखनी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सपोर्ट एंड एक्सप्लेनेशन, यानी आफ्टर स्टार्टिंग द टॉपिक सेंटेंसेस प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन इन 7 to 8 सेंटेंसेस टू एक्सप्लेन एंड क्लैरिफाई मोर अबाउट द टॉपिक। यानी कि जब पैराग्राफ लिखते समय जब भी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, या फिर जब जब भी हम पैराग्राफ का जो टॉपिक होता है उसे मेंशन करते हैं तो हमेशा 7 से 8 लाइनें स्टार्टिंग में हमें ऐसी लिखनी चाहिए जो उस टॉपिक के बारे में और थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंक्लूजन, यानी पैराग्राफ के एंड में या फिर किसी भी जो हमारा रिटन मैसेज है उसके एंड में हमेशा एक कंक्लूजन देना चाहिए, मीन्स उस सारी जो हमने पैराग्राफ लिखा है उनका उसकी समरी क्या है, मीन्स हमने किस चीज़ के बारे में लिखा है, तो हमें इसका एक कंक्लूजन वहाँ प्रोवाइड करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो ऑडियंस होती है हमारी वो कुछ सपोज अगर बड़ी इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़ने के बाद कई बार ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक्स को वो कवर करना भूल जाते हैं, कुछ टॉपिक्स उसके माइंड से स्किप करने लगते हैं, तो अगर वो चीज़ें हम कंक्लूजन में मेन मेन थॉट्स अपने मेन आइडियाज़ वहाँ लिखने शुरू कर देंगे अपने कंक्लूजन में तो कंक्लूजन पढ़ने के बाद वो सारे थॉट्स वो सारी बेसिक सेंटेंस या बेसिक आइडियाज़ जो हैं वो सारे उस कंक्लूजन में मेंशन हो जाएंगे और ऑडियंस के दिमाग में वो चीज़ें हमेशा रह जाएंगी। लास्ट है आपका प्रूफ रीड, यानी कि जब भी हम कोई भी मतलब पैराग्राफ किसी को कन्वे करते हैं उससे पहले क्या करना चाहिए, हमें एक बार खुद से हमें उन चीज़ों को पढ़ लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि एक मतलब ओवरलुक हमें कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब भी हम किसी को अपना मैसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो उसमें कोई गलती ना हो, ठीक है, या फिर जो टॉपिक हमने लिखा है जो इन्फॉर्मेशन हमने दी है वो रिलेवेंट है कि नहीं है, और कुछ ऐसी अननेसेसरी चीज़ें तो हमने नहीं लिख दी हैं कि जो वहाँ पे नहीं मेंशन करनी चाहिए थी, तो हमेशा एक ओवरव्यू ले लेना चाहिए सबमिट करने से पहले कोई भी पैराग्राफ। ठीक है, जिससे कुछ ऐसी अनवांटेड चीज़ें वहाँ से हट जाएँ। नेक्स्ट है आपका रूल्स फॉर राइटिंग अ पैराग्राफ, यहाँ पर कुछ रूल्स दिए गए हैं जो पैराग्राफ राइटिंग के लिए बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ गिव द पैराग्राफ यूनिटी, कीप द पैराग्राफ शॉर्ट, मेक यूज ऑफ टॉपिक सेंटेंसेस, लीव आउट अननेसेसरी डिटेल्स, गिव द पैराग्राफ मूवमेंट, एंड द पैराग्राफ विद अ कंक्लूडिंग सेंटेंसेस। यानी वही चीज़ें दी हुई हैं कि हमेशा जो पैराग्राफ होते हैं उन्हें एक टॉपिक से रिलेट करके लिखना चाहिए, पैराग्राफ को हमेशा शॉर्ट रखना चाहिए। ठीक है, जो भी हम सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हैं वो टॉपिक से रिलेटेड हों, और जो भी जब भी हम अपना सेंटेंस या फिर जो जब भी अपना पैराग्राफ कंप्लीट कर रहे हों तो वहाँ पर एक कंक्लूजन से हमें एंड करना चाहिए, तो ये सारी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ दिया है अ पैराग्राफ इज यूजली जज्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया, यानी पैराग्राफ को अक्सर ऑडियंस किस अकॉर्डिंग किस वे में जज करती है कि पैराग्राफ इफेक्टिव है या पैराग्राफ इंटरेस्टेड है या जो भी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस तरह से इफेक्टिव है। ठीक है, तो हमेशा वहाँ पर क्या चीज़ें क्या क्राइटेरिया है,
वो है आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन, यानी कि जो आपका टाइटल है, आपका इंट्रोडक्शन है उस चीज़ को लेकर, उस टॉपिक से रिलेटेड, वो कैसा है, ठीक है। आपका सपोर्ट और एक्सप्लेनेशन किस तरह का है, आप किस तरह से, मतलब आपकी फ्लुएंसी क्या है, आपके ग्रामर स्पेलिंग्स किस तरह से यूज़ हुए हैं, आपका कंटेंट किस अकॉर्डिंग है, ठीक है। उस उन कंटेंट में जो सेंटेंसेस आपने यूज़ किए हैं उसकी सीक्वेंसिंग कैसी है, ठीक है। यहाँ पर इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और थर्ड है आपका कंक्लूजन, जो कि कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो भी एक समरी होती है आपकी पूरी, वो इस कंक्लूजन में ही मेंशन की जाती है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हैं, तीन जो जिसके अकॉर्डिंग ऑडियंस जो है या रिसीवर जो है वो आपके पैराग्राफ को, आपके रिटन स्किल को जज करती है, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक। अब इसके बाद हमारा जो है असेसमेंट है, ये असेसमेंट हम लोग कंप्लीट करेंगे अपना, ठीक है, अपने क्लास में ही। तो ये सेंटेंस, ये असेसमेंट मैं आपको बाद में प्रोवाइड करूंगा, और जो बाकी बीच की चीज़ें मैं फिर से रिपीट कराऊं, ये सारी चीज़ें आपको खुद से पढ़नी है। ये ग्रामर पोर्शन है आपका इंग्लिश का, और अगर कोई चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं तो इसे आप मुझसे कंफर्म करेंगे, मुझसे पूछेंगे, और जो नोट्स इसकी आपको बनानी होगी वो नोट्स भी आपको खुद से बनानी होगी ग्रामर पोर्शन की सिर्फ, ठीक है। तो फिर अब ये लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं अपना, और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट, ठीक है। ये हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।